हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जो फारूक सत्तार जो ये कैमोफ्लेज कर रहे हैं, ये आई वॉश कर रहे हैं, हुकूमत की किसी भी ना अहली के ऊपर क्या आवाज लगा सकते हैं? मुझे सोच के बताओ पाकिस्तानियों। सबसे बड़ा नुकसान महाजरों को पीएसपी की वजह से होगा। पीएसपी से इत्तेहाद एमक्यूएम को महंगा पड़ने लगा। मुत्तहिदा के अहम रहनुमा पार्टी छोड़ने को तैयार, कारकुन भी नाखुश। फारूक सत्तार को शदीद मुजाहमत का सामना, राबता कमेटी शाम को सर जोड़ कर बैठेगी। देख के वो गाना याद आ गया था मुझे, एक पुराना है ना। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुत्तहिदा और पीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से परेशान, कहते हैं समझ नहीं आता कौन सी पार्टी खत्म हुई और कौन सी बनी है। क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर खुदकुश हमला, एआईजी हामिद शकील समेत 3 एहलकार शहीद। शोहदा में आज न्यूज के कैमरामैन मुहिबुल्ला का भाई भी शामिल। 3 एहलकार और 2 शहरियों की हालत नाजुक, हमले की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद भाजपा की क्वेटा पुलिस पर हमले की मुसम्मत, कहते हैं हामिद शकील और अहलकारों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। अम के लिए पुलिस और इदारों की कारकर्दगी को खराज तहसीन। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की राजगाल वैली में फायरिंग, सिपाही मोहम्मद इलियास शहीद। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से 5 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ ना अहली केस की समाप्त, केस को लंबा नहीं चलाना चाहते, किसी के कहने से हमारी शान और इंसाफ में कमी नहीं आएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हमारे तहमुल और बर्दाश्त पर दाद दी जाए, किसी के लिए अपने काम में डंडी क्यों मारे, समाप्त मंगल तक मुलतवी। अदलिया को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए अपनी चोरी बचाने के लिए, तो ये तो अदलिया बर्दाश्त कर रही है। मेरी तरह का चीफ जस्टिस होता तो अभी तक इनको बड़ी देर से बड़ी पहले जेल में डाला हुआ होता। कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता, चीफ जस्टिस होता तो नवाज शरीफ को जेल में डाल देता। इमरान खान चित्राल में सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े, कहते हैं मुल्क पर डाकुओं का कब्जा है, एनआरओ हुआ तो सड़कों पर होंगे। आज न्यूज ट्राली आवाम की आवाज बन गया, लोगों ने अपने मसाइल के अंबार लगा दिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फौरी तवज्जा देने का मुतालिबा। मैं सबसे पहले मीडिया आज न्यूज का मशकूर हूँ कि वो दूर दर्जा इलाके में आया है हमारे मसाइल सुनने के लिए, दुनिया तक पहुँचाने के लिए। आप क्या हमारे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करे ताकि हमारे पिशावर तक पहुँचने में आसानी हो। शर्जील मेमन को वीआईपी ट्रीटमेंट, जेल हुकाम को महंगी पड़ गई। इजाजत के बगैर मेडिकल बोर्ड बनाने पर एहतसाब अदालत बरहम, सेक्रेटरी सेहत को नोटिस और जेल सुपरिटेंडेंट से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। एमक्यूएम के कारकुन उबैद के टू पर गैर कानूनी असलहा और धमाका खेज मवाद रखने का जुर्म साबित, एटीसी कराची ने 14 साल कैद की सजा सुना दी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 13 नवंबर को तलब, चारों वज़राए आला को शिरकत की दावत, मर्दमशुमारी के हवाले से उमूर पर गौर होगा। चकवाल में मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस पुल से नीचे जा गिरी, जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई, 51 जख्मी। कोहाट में इज्तमाई नमाज जनाजा, एक साथ 27 जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। मार नहीं प्यार के वादे धरे के धरे रह गए, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल में टीचर का तुलबा पर बदतरीन तशद्दुद, डंडों की बारिश कर दी। सऊदी अरब इलाकाई रियासतों के लिए मसाइल पैदा ना करे, पहले अपने मसाइल हल करे, ईरानी सदर हसन रूहानी की तंबी, कहा बासर ताकतें भी ईरान का बाल बीका नहीं कर सकती।
अमरीकी सदर का चीन से शुमाली कोरिया के मामले पर डू मोर का मुतालबा, चीन शुमाली कोरिया से इक्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता कर दे। डोनाल्ड ट्रंप की चीनी सदर के हमराह मुश्तर